ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है वो जैसे जैसे वक्त बदला, तो वक्त बदलने के साथ जो है हमारा अनाज ही बदल गया। नए नए अनुसंधान हुए, नए नए खोजें हुई, नए नए रिसर्चें हुई, लेकिन उन सारे शोधों में मिलेट्स का अल्टरनेट आज तक नहीं निकला, ना कभी निकलेगा। क्योंकि बोलते हैं इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले ना, परमेश्वर को पार नहीं कर सकता है, ईश्वर को पार नहीं कर सकता है। तो मिलेट्स जो है ईश्वर की शोध है। तो हमें ये बात आज समझनी पड़ेगी कि जो मार्केटिंग है ना, ये मार्केटिंग से पहले उस प्रोडक्ट की समझ बड़ी जरूरी है। देखो, मार्केटिंग बाद में आती है, आपकी प्रोडक्शन बाद में आती है, आपकी पैकिंग बाद में आती है। अगर आपको पता ही नहीं मिलेट्स क्या, तो क्या मार्केटिंग करनी, ठीक है? अगर 4-5-10 लोग बैठे हुए हैं, अगर आप बोलते कि मैं मिलेट तैयार करती हूँ, ठीक है, अगर वो सामने वाला बंदा पूछ रहे कि भाई क्या है, क्या है, क्या चीज़ है, क्योंकि पता क्या है, आज हम उस सिनेरियो में जी रहे हैं ना जिसमें लोगों को पता ही नहीं मिलेट्स क्या हैं। आज के सिनेरियो में जो 80-90 साल का बंदा है ना, उसको पता है मिलेट्स क्या हैं। अगर वहाँ बात करेंगे आप, किसी मंडल को जानते हैं आप, रागी को जानते हैं आप, तो वो फिर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जो जीवन का काल है वो उन्होंने उखाया हुआ है। लेकिन जो आज की पीढ़ी है 30-35-40-60 इस वर्षों वाली, इन्होंने तो मिलेट्स देखे नहीं है, क्योंकि 70 के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद जो है ये चीज़ आस्ते आस्ते लुप्त हो गई। तो आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि ये चीज़ समझानी पड़ रही है, बतानी पड़ रही है। आज देखें आप जो सिनेरियो आज समाज का क्यों इतना बुरा हाल हो रहा है, लोगों का पैसा भी आ रहा है, लोग धन संपन्न भी हो रहे हैं, लोगों के पास गाड़ी भी अच्छी अच्छी आ रही हैं, घर भी अच्छे अच्छे बन रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, बैंक बैलेंस भी हो रहा है। लेकिन दिक्कत पता क्या हो रही है, जब 5 साल का बच्चा बैठे पड़ा होता है ना, तो कालजा फट जाता है, ठीक है? 10 साल के बच्चे सुनने में आता है इसको कैंसर है, तो सोचो क्या परिस्थिति, क्या मनोस्थिति होगी उस टाइम माता पिता की। क्योंकि शिक्षा, पैसा, ये वो चीज़ें हैं जिनका उपयोग इंसान तभी कर सकता है अगर शरीर ठीक है। अगर शरीर ठीक नहीं है तो किसी भी चीज़ की कोई मायने नहीं है। तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए हम लोग खुद स्वयं, जिन्होंने अपने खान पान की प्रवृत्ति को ही बदल दिया, खराब कर दिया।